हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एआर खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट क्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के बारे में। एक कॉमन नोशन है, एक धारणा है लोगों की कि होम्योपैथी स्पेशली स्किन में बहुत अच्छा काम करता है। नो डाउट ही स्किन में काम करता है, लेकिन हमारी जो मेडिसिन की स्फीयर ऑफ एक्शन है बाकी अलग अलग सिस्टम्स पे भी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्टिकुलरली स्किन पे कुछ मार्वलस रिजल्ट्स है। जहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ मेडिसिन फेल हो जाते हैं वहाँ पे हमारी होम्योपैथी बहुत ही अच्छी ट्रेमेंडस रिजल्ट देती है। स्किन कंडीशंस या स्किन डिजीजेस, चर्म रोग या त्वचा रोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन है जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, इसमें ड्राई और वेट एक्जिमा, डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, एक्ने, पिंपल्स, ड्राई स्किन, चैप्ड स्किन एंड इवन इक्थियोसिस जो कि फिश स्केल डिजीज है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन डिजीज के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कितना भी पुराना चर्म रोग है, इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सपोर्टिव एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसको आप अगर लेंगे तो कोई भी स्किन डिजीज, कितना भी पुराना स्किन डिजीज हो, उसको क्योर होने में बहुत हेल्प मिलेगी और उसकी जो हीलिंग है वो प्रमोट होगी। सो आप अगर सफ़र कर रहे हैं ऐसे किसी डिजीज़ से जो क्रॉनिक है और ठीक नहीं हो रही है और आप उसे हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एंड ऑफ कोर्स, आप अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्किन रोग, त्वचा रोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे कंडीशंस जैसे मैंने आपको बताया, सोरियासिस, एक्जिमा, इची इरप्शंस, इचिंग विदाउट एनी इरप्शंस, ड्राई स्किन्स, इक्थियासिस या डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ कंसर्न वाली कंप्लेन है जो एक्ने, बॉयल्स एब्सेस एंड चैप्ड स्किन्स। सो इस वीडियो में जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करने वाला हूँ वो ओवरऑल सारे स्किन डिजीज को कवर करती है। कोई सा भी चर्म रोग हो, कितना भी पुराना हो, ये उसको कवर करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 विच इज स्पेशली कम्बाइंड और फॉर्मुलेटेड फॉर स्किन डिजीजेज। सबसे पहले हम मेडिसिन यहाँ पर देख लेते हैं। ये है SBL का बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 का जार। ये 450 ग्राम है। इसकी 25 ग्राम की भी पैकेजिंग आती है और सारी कंपनी, सारी ब्रांड्स इसे बनाती है। आप कोई भी परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। जैसे मैंने आपको सारा इंडिकेशन बता दिया है, जैसे ये सारे स्किन कंप्लेंट को कवर करता है, बट पर्टिकुलरली एक्ने, पिम्पल, एब्सेस में इसे लेना चाहिए, वो हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर आपकी चैपिंग और क्रैकिंग ऑफ स्किन है तो वैसे केसेस में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। अनहेल्दी स्किन है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज एक्जिमा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्राई एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है, दोनों ही कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू अटेन क्योर। और स्कैल्प में अगर किसी टाइप का इरप्शन है, डर्माटाइटिस है, स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस है, एब्सेस होती हैं स्कैल्प में, या स्वेटी स्कैल्प है, अनहेल्दी है, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, या आपको इक्थियोसिस है, तो वैसे कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली सोरियासिस में आप मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ इसे एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इसे दे सकते हैं। इसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अलावा हर्प्टिक इरप्शंस हैं तो वैसे केसेस में भी आप अगर बायो कॉम्बिनेशन 20 लेते हैं तो आपकी बहुत फास्ट हीलिंग होती है। ऐसी कोई भी इरप्टिव डिजीज़ है जिसमें स्किन में इरप्शंस डेवलप होते हैं, वैसे कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। और स्पेशली जो पोस्ट ऑपरेटिव स्कार्स हैं तो स्कार हीलिंग को प्रमोट करने के लिए भी आप BC नंबर 20 ले सकते हैं। ये उसकी हीलिंग को प्रमोट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और वहाँ पर सपोरेशन के चांसेस को डिक्रीज करता है, कम करता है। अगर इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 5 सॉल्ट्स हैं। कैल्केरिया फ्लोर है, कैल्केरिया सल्फ है, काली सल्फ है इसके अंदर, नेट्रम म्यूर है एंड नेट्रम सल्फ इसके अंदर है। और सारी ही मेडिसिन सब इसमें 3x के अंदर है। ये इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड की गई है। इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है। आपको एडल्ट्स के लिए, कोई भी स्किन डिजीज के लिए अगर आप ले रहे हैं तो 5 से 6 गोली दिन में
तीन बार लेने हैं। इसे आप नॉर्मली चूस के भी ले सकते हैं या फिर आप 1/4 कप ऑफ वाटर में भी इसे घोल के ले सकते हैं खाने से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद। बच्चों में अगर कोई कंडीशन है, स्पेशली एक्टोसिस बेबी है, और उसको अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों में हाफ ऑफ डोजेज देनी है, 3 से 4 टैबलेट को पानी में घोल के देनी है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ये जो जार है ये 450 ग्राम का है और इतनी क्वांटिटी में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको 25 ग्राम की पैकेजिंग आपको बहुत आसानी से किसी भी फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी में किसी भी ब्रांड की आपको मिल जाएगी। किसी पर्सनल ब्रांड की रिकमेंडेशन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो स्वाबे या फिर रेक्वेक या SBL में से आप ले सकते हैं। 25 ग्राम की जो प्राइसिंग है वो 75 से लेके 110 के अराउंड आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी किसी भी फार्मेसी पे। मैं कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जहां से आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई इस तरह की स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।